हेलो स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉब्लम में आपको दिए हैं टू बॉल्स ईच हैविंग मास 100 जी एंड चार्ज 2×10⁻⁷ कूलम और दीज आर सस्पेंडेड बाई 50 सेंटीमीटर. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग है और एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग उनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ए बी सी डी इसने चार ऑप्शन पूछे हैं. फर्स्ट ऑप्शन में है फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉल, सेकंड है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा सी में, और उसके बाद है एक्सेलरेशन. तो देखिए, हम यहाँ ऐसे फिगर बनाएंगे. यहाँ दो बॉल हैं, बॉल का मास 100 का मतलब 0.1 केजी इंटू 9.8, तो 0.98 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हमारा हुआ 0.98 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ. और टेंशन हम इसमें स्ट्रिंग में टी मान लेते हैं, और जो फोर्स लगेगा लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव लगेगा, और एफ का वैल्यू होगा ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर है. तो यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंसी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे RHS से. और यहाँ ये 90 है और ये 2.5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी ये 2.5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि टोटल 5 था. और ये आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी आपका 50 सेंटीमीटर हो गया एट दिस एंगल विथ थीटा. तो फिर अभी हम दो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एक तो अलोंग द टेंशन के लिए, मैं ये लाइन खींचता हूँ, और एक परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग के लिए. तो यहाँ पर यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो फिर ये थीटा होगा. तो आप देखेंगे इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. यहां पर एफ कोस थीटा और यहाँ पर एफ साइन थीटा, और ये जो एम जी है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. यहाँ पर एम जी कोस थीटा और यहाँ पर एम जी साइन थीटा. तो सबसे पहले निकालना है हमें ये फोर्स एफ कितना है. तो इसके लिए हम कूलम्स लॉ लगाएंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 over R square होगा. इधर 9 into 10 to power 9 Q1 यहाँ पे आपको चार्ज दिया हुआ है. Q1 की वैल्यू Q1 equal to Q2 equal to दिया हुआ है इन्होंने 2 into 10 to power minus 7 कूलम. और R की वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये होगी 5 into 10 to power minus 2 मीटर. तो 2 into 10 to power minus 7 into 2 into 10 to power minus 7 over 5 into 10 to power minus 2 का स्क्वायर. तो ये बनता 36 over 25 into 10 to power 14 minus 4 minus 10 plus 9 minus 10. और ये वैल्यू आती है हमारी 1.44 into 10 to power minus 10 बोले तो 0.144 न्यूटन. तो ये हुआ 0.144 न्यूटन. तो अभी हम इनके जो कंपोनेंट देखेंगे तो सबसे पहले मैं टेंशन को देखें. तो यहाँ पर आप देख सकते कि क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये लूज नहीं है तो यहाँ पर जो टेंशन है दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस टू कंपोनेंट. तो फ्रॉम फिगर यहां से लेते हैं. फॉर इक्विलिब्रियम टी मस्ट बी इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा फ्रॉम फिगर. जो साइन थीटा होगा ये इस ट्रेंगल से देखें आप लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस पॉइंट 2.5 ओवर 50 तो 1/20 एंड कोस थीटा जो है आप निकालें अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इट बिकम 1 माइनस 1/400 399/400 का रूट जिसको हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 रख सकते. तो टी का वैल्यू आएगा 1 के बाद आपका पार्ट है सी को जा रहे हैं अपने आप ही आ रहा है ये पार्ट सी. फिर हम पार्ट बी को आएंगे. तो एफ का वैल्यू आया था हमारा 0.144 और साइन थीटा ये है आपका 1/20 और इधर जाएगा आपका 0.98 एम जी कोस थीटा अप्रोक्सीमेट 1 आया आपका. तो ये वैल्यू आपका लगभग 0.98 से कुछ ज़्यादा 7 या 6 के लगभग 0.98 6 न्यूटन आपका टेंशन आ गया. और पहला जो आंसर आया था आपका ये भी आपका पार्ट ए का आंसर था. ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स. और इसके बाद हम बी पार्ट को सोल्व कर रहे हैं. फोर्स
अलोंग द स्ट्रिंग। अब यहाँ देखिए जो टेंशन है और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, तो ये आपका 9.86 माइनस 9.86 इक्वल टू ज़ीरो। यदि ये ज़ीरो नहीं होगा तो या तो स्ट्रिंग लूज होगी और या फिर इस पे एक्सेलरेशन होगा। तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो, इस डायरेक्शन में इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर दूसरा पार्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग ये होगा। अब देखें तो एफ कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, तो इसको हम इक्वल रखेंगे एफ 0.144 कोस थीटा 1 माइनस एम जी 0.98 और जो साइन थीटा है वो 1/20, दैट्स इक्वल टू 0.144 माइनस 0.049 और ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 0.095 न्यूटन। तो आपके एक ये कंपोनेंट हुआ और एक ये कंपोनेंट हुआ। अभी हम पार्ट डी को जाएंगे, उससे पहले मैं लिख दूं देयरफॉर फोर्स अलोंग स्ट्रिंग 0 न्यूटन एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग 0.095 न्यूटन। और डी पार्ट आप देखेंगे उसमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इक्वल टू अब नेट फोर्स कितना बचा, तो आप देख सकते हैं एक तरफ नेट फोर्स ज़ीरो और एक तरफ नेट फोर्स कितना है आपका, पॉइंट नाइन फाइव। तो पहले मैं नेट फोर्स ऑन द बॉल निकाल लेता हूँ, नेट फोर्स ऑन द बॉल, चार्ज बॉल है ये, इसके ऊपर नेट फोर्स होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ज़ीरो का स्क्वायर 0.9095 का स्क्वायर और ये 0.095 का स्क्वायर, यानी कि 0.095 न्यूटन। एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इक्वल टू 0.095 नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉल 0.1 kg, दैट्स इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।